चलिए तो क्या वो कन्हैया गिरिराज से। सिंह से, गिरिराज सिंह के अगेंस्ट है ना, कन्हैया का मार्जिन हाँ अच्छा था, अच्छा खासा था। और हाँ सबसे अच्छी बात यह है कि कन्हैया का तो वहां पे ईवीएम के स्ट्रांग रूम के बाहर पहरा देने वाले बहुत सारे लोग थे, तो वो एक बड़ी अच्छी। अच्छा देखो शंभू भाई, ये 250 हाँ 300 ये जो ले जा रहे हैं ना, हाँ ये लोगों के मुंह देखना है। आपको पता है, आपको याद है ये अभी भी 2016 ईवीएम बदल में, सकते हैं। हाँ अभी अभी क्या बदलेंगे, अभी तो जो जो बदलना है बदल चुके हैं। अब आज के जो चुनाव हुए हैं उसके अंदर ढील छोड़ने के बाद में भी 20 सीटें निकली हैं इनकी, 59 में से सिर्फ 20 निकली हैं। तो अब ये है इनकी करंट सिचुएशन, अच्छा, ये है वाराणसी से तो इनकी। मोदी जीत रहे हैं, वाराणसी से मोदी हार चुके हैं, क्या बात मोदी कर रहे, मोदी चुनाव हार वाराणसी गए हैं। से मोदी हार चुके हैं। और सबसे बड़ा शॉक उसी दिन लगेगा इन लोगों को, वाराणसी से मोदी हार चुके हैं। गुजरात के सीट कम होंगे, 23 तारीख के दिन गुजरात के सीट कम होंगे, मध्य प्रदेश भी कुछ कम होगा, राजस्थान भी कुछ कम होगा, महाराष्ट्र नहीं कर सकता कुछ भी क्योंकि महाराष्ट्र में अब गुंजाइश नहीं रही। नॉर्थ ईस्ट से कुछ भी नहीं कर सकता, दिल्ली तो ऑलरेडी जीरो पे चल रही है, हरियाणा का और छत्तीसगढ़ में 2-3 सीटें कम करने की गुंजाइश है। तो ओवरऑल ये 183 सीट एनडीए के जो है, ये पूरे नहीं तो मिला लो। अब तो वोटिंग होगा, ये स्ट्रांग रूम में ईवीएम चला गया तो अब कैसे कम हो सकता है। हो सकता है शंभू जी, जब वहां पे ईवीएम बदली जा सकती है तो ईवीएम का डेटा बदलना और आसान है, ईवीएम अच्छा, का डेटा डेटा भी बदलना बदला जा बड़ा। सकता है। हाँ बदला जा सकता है ना ईवीएम बदलने से। देखिए ईवीएम बदलने से ये लोग जीत नहीं पाएंगे, और ये 250 300 एक टाइम्स नाउ और रिपब्लिक वाले ने तो 300 भी पार करवा दिया इंडिया के। तो अब इन लोगों को मुंह अच्छा देखना है, जब जब चुनाव के रिजल्ट निकल के आएंगे तो मुंह तो देखना है हाँ मुझे। देखो तो मेरा तो मेरा सिंपल कैलकुलेशन है कि मो एनडीए यूपीए दोनों मिला के 300 तो हो रहे हैं, एनडीए और यूपीए दोनों मिला के 300 तो हो रहे हैं। अब कम होंगे तो एनडीए के कम होंगे तो जाहिर सी बात है वहां पे फायदे में जा रहा है कांग्रेस, लेकिन इतना भी नहीं कि वो कुछ कर पाए, तो वो सिर्फ बाहर से समर्थन करके थर्ड फ्रंट की हुकूमत बना सकते हैं। भाजपा या एनडीए गवर्नमेंट नहीं बना रहा है, पीरियड। अच्छा तो मोदी जी हार जाएंगे तो पीएम बनेंगे नहीं वो। अरे भाई मोदी जी हार जाएंगे, अभी देखो ये लोग 250 300 का फिगर बता रहे हैं ना, जब ये 170 160 के अंदर भी रह जाएंगे तभी भी मोदी जी पीएम बनने के लिए 29 23 तारीख के दिन शपथ लेने के लिए चले जाएंगे, तब क्या करेंगे? क्यों, हारा तो हुआ हार प्राइम जाएंगे मंत्री चुनाव? शपथ लेने चला जाएगा, हारा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हुआ प्राइम इतना मंत्री शपथ लेने चला जाएगा नहीं, पश्चिम इतना तो बंगाल में। लिहाज करते हैं लोग, हाँ इतना लिहाज करते हैं यार। शिबू सोरेन मुख्यमंत्री थे और चुनाव हार गए थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया था, तो हारा हुआ कैंडिडेट अरे जाके अरे पीएम नहीं बना। मोदी जी कहाँ रिजाइन करेंगे, मोदी जी पहले हार कबूल करेंगे। श्रेयान भाई लाइव पे हाँ हो, थोड़ी देर में बात करता हूँ। हाँ मोदी जी 23 तारीख के दिन, मोदी जी शाम के 7:30 8 बजे प्रेस के सामने पहली बार वार्तालाप करेंगे, आएंगे और आके अपना अपना हार स्वीकार भी करेंगे और इस्तीफा भी देंगे। लेकिन अगर वो हार स्वीकार नहीं करे तो वो पता नहीं वो क्या करेंगे। तो बहरहाल ये तो है फिलहाल का सिचुएशन। अच्छा, लेकिन बंगाल में सही में सीट नहीं आ रही बीजेपी को, बंगाल में कुछ भी नहीं है, केरल बंगाल में भी में नहीं। देखो हर जगह के हथकंडे आजमाए गए, वहां पे 12 से 13 सीट हार सकती थी जीत सकती थी है। लेकिन जो जो इनकी गलती से ये खुद जो माहौल बना दिया उसके अंदर, ना इनका कोई हैकिंग काम में आई ना ईवीएम रिप्लेसमेंट काम में आया, तो ईवीएम रिप्लेस भी नहीं कर सकते हैं वहां पे, क्योंकि बंगाल में जिस तरह की सिक्योरिटी पड़ी हुई है या जिस तरह के लोग एकदम चौकन्ने हैं जैसे दिल्ली में हो रहा है, तो उसका खामियाजा तो बीजेपी ने भुगता है। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक चीज परेशान करती है शंभू जी, कि सोचने की बात तो ये है कि अब ये साफ हो रहा है ना, चुनाव आयोग जब ये नंबर कम होके आएंगे तो
क्या मुझे ये देखना है कि चुनाव आयोग ये मानेगा अगर बीजेपी बोलेगी कि हम ईवीएम की वजह से हारे हैं, तो क्या चुनाव आयोग ये मानेगा कि ईवीएम में घोटाला होता था या ईवीएम में हैकिंग होती थी? अगर नहीं मान रहा है तो फिर तो मैं हिंदुस्तान वापस आऊंगा और देखिए कन्हैया अकॉर्डिंग टू ये सारा जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं इस सबकी विश्वसनीयता जो है वो सैयद सुजा के हाथ में है। मेरा न तो एग्जिट पोल पर भरोसा है, ईवीएम वाले को लेकर मुझे भरोसा है कि मशीन को अपने हाथ से मशीन को इंसान चलाता है, तो मैं ईवीएम के पक्ष में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ दुनिया के तमाम देशों में ईवीएम से चुनाव नहीं होता है। कन्हैया लोग वही पूछ रहे हैं, कन्हैया चुनाव जीत रहे हैं सुजा के अनुसार और मोदी जी चुनाव हार रहे हैं सुजा के अनुसार। हाँ भाई, और कुछ स्पेसिफिक बात? एक मिनट देख रहा हूँ, एग्जिट पोल ही देख रहा हूँ। बिल्कुल मजे ले रहा हूँ। चले शंभू जी के साथ नेशनल एक्सप्रेस पे लाइव है, तो ये एग्जिट पोल तो अभी 3 दिन दबा के चलेगा, इसमें बड़ी टीआरपी निकलेगी लोगों की। वो मैंने टीवी में काम किया है, वो आपके क्यूरियोसिटी है तो आपको टीवी देखना है तो कुछ ना कुछ उनको दिखाना है। लेकिन ईवीएम वाला एक मुद्दा है, लेकिन ये आप लगातार कह रहे थे मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो कहाँ प्रॉब्लम रह गई जो आप बीजेपी को जीरो नहीं कर पाए? क्या कह रहे शंभू जी, आपने कहा था बीजेपी को जीरो भी कर सकते हैं, तो कहाँ दिक्कत हो गई, कहाँ सपोर्ट नहीं मिला? देखिए शंभू जी, बीजेपी को जीरो करना एक अकेले आदमी के बस की बात नहीं थी। जहां पे सपोर्ट मिलनी चाहिए थी वहां पे तो सपोर्ट हुई नहीं, और अगर जीरो करना, जीरो कर भी देते ना तभी भी पूरा प्रशासन उनके हाथ में, हर चीज उनके हाथ में, तो दे कैन चेंज एनीथिंग एंड एवरीथिंग, तो उसका सरदर्द कौन पालेगा। अच्छा राहुल गांधी कहां से हार रहे हैं, कहां से जीत रहे हैं? राहुल गांधी करंटली अमेठी से उनकी ईवीएम चेंज की गई है, अब अमेठी से उनका उनका हिसाब किताब डामाडोल ही चल रहा है, लेकिन राहुल गांधी है तो ही हैज टू सिट इन द पार्लियामेंट, गांधी परिवार की शान है, तो उनको निकाल देंगे अमेठी और वेंडर से, दोनों से निकाल देंगे। अच्छा एक बात और बताइए कि लोग पूछ रहे हैं राजनाथ सिंह का क्या होगा? राजनाथ सिंह लखनऊ हार गए और जहां तक लखनऊ की वो ईवीएम से उसको चेंज भी नहीं किया गया, अब तक तो चेंज नहीं किया गया, तो राजनाथ सिंह अभी भी हारे हुए। अखिलेश यादव भारी बहुमत से जीते। अच्छा, और वो गोरखपुर की सीट रवि किसान, वो भोजपुरी में हंसेंगे 23 तारीख के दिन, या भोजपुरी में रोएंगे, तो जिंदगी की सरकार फिर भी घमंड बाव बल्कि हंसेंगे। अच्छा आप दक्षिण भारत के, आप तो मतलब भोजपुरी भी अच्छा बोल लेते हो सीएल भाई। देखिए सुजा, सबसे बड़ी बातें बता रहा हूं हमारी बातचीत में, बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, 180 से 200 के बीच रहेगी बीजेपी। 180 अभी मौजूदा नंबर जो निकल के आ रहा है वो 183 का एनडीए का नंबर है, लेकिन ये नंबर आएगा नहीं, इससे कम होगा, और जब कम होके आना शुरू होगा तो ये सारे एग्जिट पोल देने वाले इन लोगों का क्या होगा, मैं वो सोच रहा हूँ। अगर हम लोग सही नहीं है तो हम लोगों को पता है क्या होगा। शंभू जी देखिए, मैंने तो अपना काम कर दिया, अब लोगों का क्या होने वाला है। अभी तीन दिन लोग क्या करें, ईवीएम का, ईवीएम हमारे यहाँ अगोरिया बोलते हैं, मतलब रखवाली करें ईवीएम का। देखिए अगर अब रखवाली नहीं किया तो फिर कभी रखवाली करने के लायक नहीं रहेंगे, कभी रखवाली करने के लायक। भोपाल से लोग पूछ रहे हैं, भोपाल साध्वी प्रज्ञा, साध्वी हार गई है, साध्वी प्रज्ञा हार चुकी है वहां से। दिग्विजय सिंह चुनाव जीत गए हैं। अच्छा कन्हैया चुनाव जीत गए हैं क्या, बड़ी खबर है कन्हैया चुनाव जीत गए हैं, राजनाथ सिंह चुनाव हार गए। अच्छा ये नितिन गडकरी का सुने लोग बड़ा साजिश कर रहे थे हरा देने, तो वो पीएम कैंडिडेट हो जाएंगे? नहीं है, नागपुर से निकले हैं वो, उनका उनका नंबर कम करने के लिए
बीजेपी खुद उनका नंबर कम करना चाहती थी। अगेन ये जा के क्या होगा पता है शंभू जी, होगा ये कि जब ये नंबर निकल के आएंगे तो सरकार तो किसी की बनने लायक है नहीं। अब बीजेपी को करीब करीब 161 यानी एनडीए को 161 से 171 यानी बिटवीन 160 to 180 अगर रोक लेने के अंदर कामयाब हो गया तो ओवरऑल जो बाकी के नंबर चाहिए वो कहां से लाने वाले हैं मुझे नहीं पता। वो कहां से लाने वाले हैं नहीं पता। और ये बात समझ लीजिए, ये एग्जिट पोल जब ये नंबर खुल के आएंगे ईवीएम के तो ये एग्जिट पोल वाले क्या करेंगे ये आप में अब रिकॉर्डिंग लाइव रिकॉर्डिंग में हम लोग पूछ रहे हैं। ये जब ये नंबर नहीं निकलेंगे और इससे इतनी यू नो इतनी शर्मिंदगी वाली हार होगी बीजेपी की तो ये पूरे देश से माफी मांगेंगे। बड़ी बड़ी नाम बड़े नाम डालिए, मोदी जी बनारस से हार रहे हैं, कन्हैया जीत रहे हैं, राजनाथ सिंह चुनाव हार रहे हैं, तो ये कुछ बड़े नाम है जिनके बारे में, राहुल गांधी चुनाव जीत रहे हैं और क्या जाना बताए, बड़ी खबर ये मोदी हार रहे हैं कन्हैया जीत रहे हैं। सबसे बड़ी खबर मोदी हार चुके हैं, अब वो भी ऐसे प्रत्याशी से जो खुद बोल रहा था कि भाई बीजेपी को वोट दो मुझे वोट मत दो, तो वैसे प्रत्याशी को वैसे प्रत्याशी ने बीजेपी मोदी को हरवा दिया। इट वाज फन टू वॉच क्योंकि आज वोटिंग परसेंटेज बहुत कम था, इतना ज्यादा कम था कि आई वाज एक्सपेक्टिंग इट कि अच्छा इतना वोटिंग परसेंटेज कम होगा तो लोग वोट डालने के लिए नहीं निकले और जो निकले वो मोदी के खिलाफ वोट डाले। मोदी अच्छा बुलंद शहर का पता करिए, बुलंद शहर रिजर्व सीट थी वहां से गठबंधन निकला है। बताइए आपको हर चीज पता है, मुझे आपकी जानकारी पर तो बिल्कुल शक नहीं है, एक अमेरिका में बैठा हुआ आदमी नोज अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। क्या करें मोदी जी की तरह हमको स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं पड़ती है ना। अच्छा अरे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं, सोलापुर कोल्हापुर सिरसा सोनीपत रोहतक, अब ऐसा नहीं हो सकता भाई, 23 तारीख तक इंतजार कीजिए। और जो अच्छा जो लोग टीवी देख के ना दुखी हो गए उनको क्या कहेंगे, जो टीवी देख के दुखी हो रहे हैं अगर ये इस बात के ऊपर दुखी हो रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है तो सेलिब्रेशन के लिए तैयार रहे, बीजेपी जीत नहीं रही है, बीजेपी हार चुकी है, ये सत्ता बनाने के काबिल नहीं रहे पीरियड। अब ये लोगों को सत्ता बनाने से रोकेगा कौन वो मुझे नहीं पता, जब 170 160 और 170 के बीच में है जब एनडीए के नंबर आएंगे तो ये लोग सत्ता में कैसे आएंगे मुझे नहीं पता। भैया आप बाकी के नंबर ये खरीद के लेंगे या ब्लैकमेल करके लेंगे या डरा के लेंगे या फिर इमरजेंसी डाल के लेंगे ये तो यही जाने, लेकिन इतना है कि सत्ता में तो नहीं आ रहे मोदी जी खुद। मनोज तिवारी चुनाव हार रहे हैं, मनोज तिवारी चुनाव हार, दिल्ली से कोई नहीं जीत रहा, बीजेपी का कोई भी नहीं जीत रहा। 2009 के चुनाव में जैसा कांग्रेस ने क्लीन स्वीप मारा था दिल्ली 7-0 हाँ। वैसे ही 0 पे गई है, अब की बार कोई भी नहीं आया, हाँ बीजेपी का नहीं आया। तो बीजेपी आपने खेल किया है, मैंने इन लोगों को खेलने से रोका है, मैंने बीजेपी को नहीं खेलने से रोका और वहां पे जो जेन्यून जीत रहा था उसे जीतने दिया है, इनको जीतने से रोका है। तो ये कहीं ऐसा नहीं हम लोग को डरने की जरूरत, अरे हम लोग कोई इलीगल काम ही नहीं कर रहे, चुनाव आयोग मानता ही नहीं कि ईवीएम सेट होता है, हम लोग मजे कर रहे हैं, हम लोग कॉमेडी शो कर रहे हैं, बस सिंपल बस अब यही समझ लें। लेकिन लोगों को तो बड़ा दिस इज व्हाट आई वुड से शंभू जी, जो लोग परेशान हो रहे हैं मैं उनसे फिर कहूंगा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये ब्लड प्रेशर ना बढ़ाएं, हाँ ब्लड प्रेशर ना बढ़ाएं। आप फाइनल कमेंट कर रहे थे बीजेपी 170 से 80 कौन 270 से 80 बीजेपी, बहुत अच्छी बात है। देखिए उमर अब्दुल्ला कहते हैं
उमर अब्दुल्ला का ट्वीट देखें, एवरी सिंगल एग्जिट पोल कांट बी रॉन्ग, टाइम टू स्विच ऑफ टीवी, लॉग आउट ऑफ सोशल मीडिया एंड वेट टू सी द वर्ल्ड, वेट टू सी द वर्ल्ड इज स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सेस ऑन 23rd. हमारी आपकी कॉमेडी भी देख सकते हैं. हाँ, वैसे ये अच्छा है ना. देखो, हर एग्जिट पोल्स गलत नहीं हो सकता. टाइम टू स्विच ऑफ द टीवी, लॉग आउट ऑफ सोशल मीडिया एंड वेट टू सी द वर्ल्ड इज स्टिल स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सेस ऑन 23rd. तो ये बहुत बड़ी बात कह दी. हेमा मालिनी का क्या होगा मथुरा से? मथुरा से हेमा मालिनी हार गई है भाई. हार गई है मथुरा से, हार गई. अच्छा अच्छा अच्छा. तो चलिए, ये सैयद सुजा है. मतलब लोड मत लीजिए, सैयद सुजा और शंभु का ये कॉमेडी शो देखिए और हम लोग सही है गलत है ये तय होगा. अगर हम लोग सही है, देखिए शंभू जी, आपको यहाँ डालना चाहिए था, ये लाइव का वो डालना चाहिए था, एग्जिट द पोल, एग्जिट पोल करके डालना चाहिए था. ये एग्जिट पोल, एग्जिट द पोल, हम लोग पोल से बाहर आ रहे हैं. पोल, हाँ, देखिए जो लोग देखिए, हार्ट अटैक दो तरीके से होता है, खुशी में भी होता है, गम में भी होता है. मैं कह रहा हूँ कि ना तो खुश हो लोग, ना खुश हो के हार्ट अटैक हो, ना गम में हार्ट अटैक हो. हम लोग क्या कह दिया, थोड़ा थोड़ा सूट बूट पहन के हम भी बैठ जाते हैं. वो ऐसा लगना चाहिए ना कि एग्जिट पोल का मजा आ रहा है. जी जी जी, बैठिए. हाँ हाँ, तो देखो भाई, यहाँ पे चार चार पांच पांच कंप्यूटर लगा के हम बैठे हुए हैं, एग्जिट पोल खेल रहे हैं. तो यहाँ पे एक कंप्यूटर है, यहाँ पे एक कंप्यूटर है, फोन चार पांच लगा के बैठे हुए हैं. तो हम भी एग्जिट पोल ही खेल रहे हैं. आप लोग मजे लो इसके, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हम... ना, अपने अपने आस पास थोड़ा दिखाइए ना सुजा, क्या चल रहा है आपके आस पास? हमारे आस पास भी भाई, भी हम लोग कोई अपराध नहीं करे, ईवीएम तो आयोग होता ही नहीं है, चुनाव आयोग कहना है, तो हम तो बात कर रहे हैं बस, मजे, हम कॉमेडी कर रहे हैं. हाँ, इसके ऊपर मैं यहाँ पे एग्जिट पोल देख रहा हूँ, यहाँ पे एनडीटीवी का पोल ऑफ द पोल देख रहा हूँ, यहाँ पे व्हाट्सएप, ट्विटर, ये वो सारे मैसेजेस जो आते हैं मुझे, तो सारे फोन्स को मैं यहाँ पे डाइवर्ट करता हूँ. तो फिलहाल तो ये चल रहा है. ओवरऑल हेलो, ये सोनी का जबरदस्त कैमरा लगा के रखा हुआ है लोगों को, अच्छी क्वालिटी की यूट्यूब वीडियो दिखाने के लिए. ये माइक वाइक लगा के रखा हुआ है, तो ओवरऑल अच्छे से सेटअप करके रखा हुआ है. तो दिस इज मी. तो हम लोग कॉमेडी खेल रहे हैं. दरअसल चुनाव आयोग का कहना है कि ईवीएम हैक होता नहीं है, तो हम लोग कोई अपराध कर नहीं रहे हैं. ईवीएम हैक नहीं होता है, और हम दावा कर रहे हैं कि ईवीएम हैक होता है, तो वो बोलते हैं मजाक कर रहे हैं, तो हम भी मजाक कर रहे हैं. आप लोग बैठे हैं, देखें, मजे लें. तो एग्जिट पोल के अनुसार जो है, सो सारे एग्जिट पोल कहते हैं कि ईवीएम नहीं कहना चाहिए, भाजपा बिना ईवीएम हैक करे के 270 के ऊपर खुद ही लेके आ रही है, और खुद की सरकार बना रही है. और नरेंद्र मोदी फिर से जो 18वीं 17वीं लोकसभा के फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ऐसा एग्जिट पोल कहता है, ऐसा भारत का मीडिया कहता है, सोशल मीडिया कहता है. तो सारे बैठ के ये नैरेटिव दे रहे हैं. तो ओवरऑल दिस थिंग. लेकिन जब 23 तारीख के दिन सुबह में नंबर खुलना शुरू होंगे, तो 23 के दिन आप भी बैठेंगे, मैं भी बैठूंगा, और उसके बाद साथ रहेंगे. नहीं, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग ऐसे ही लाइव लेंगे, और हम लोग कॉमेडी करेंगे. मैं तो कह रहा हूँ, मैं कॉमेडी करूंगा. हम गलत हुए तो भी, सही हुए तो भी, हम भागेंगे नहीं. सारे न्यूज चैनल को मैं यहाँ पे 2-4 और स्क्रीन लगा देता हूँ, तो सारे न्यूज चैनलों को एक साथ कवर करेंगे और देखेंगे किसके किसके चेहरों पे खुशी आती है, किसके चेहरों पे गम आता है, और लोगों की प्रक्रिया भी लेंगे. जो भी लाइव ज्वाइन करना चाहता है खुशी से, या फिर इन्हें हमें चिढ़ाने के लिए, या हमें गाली देने के लिए. एक और जानकारी जरा चिराग पासवान का बताइए साहब, हम लोग एग्जिट पोल के बाप हैं, एग्जिट पोल स्टेट वाइज आपको सीट बता रहा है, हम कैंडिडेट का नाम लेके बता रहे हैं कि कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है. चिराग पासवान के बेटे चिराग पासवान हार गए जमुई से.
अच्छा हाँ, उनके चिराग दो भाई भी पासवान, चुनाव लड़ रहे थे, जरा उनको चिराग बताइए राम, पासवान हार गए, वीके शर्मा, वीके सिंह हार गए हैं गाजियाबाद गाजियाबाद से। से, तो पहले चरण में ये दोनों हार गए हैं। अच्छा, उनके भाई है रामविलास जी के, दो और भाई लड़ रहे थे हाजीपुर से, और तो उनका क्या है कुछ है हाजीपुर बिहार, जी, जहां से नहीं मुझे रामविलास पासवान चुनाव जीते थे? नहीं याद नहीं है, उसको देखना पड़ेगा पर्टिकुलरली। देखना हाजीपुर पड़ेगा। का हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर क्या है? नहीं नंबर मुझे नहीं पता, मैं वहां का वोटर हूं, लेकिन मुझे, मैं वोटर था अब तो हूं भी नहीं। हाँ चले अमृतसर अच्छा, ये प्रकाश अंबेडकर सोलापुर महाराष्ट्र, जी नहीं निकले हैं भाई। चंदौली, मेरी लास्ट रैली चंदौली में थी, मैंने चंदौली में रैली कवर किया था। अभी तो थोड़ा भाई, अभी तो ज्यादा लंबे में बात करते हैं। चंदौली, महाराष्ट्र से शिवसेना, बीजेपी, एनसीपी, कांग्रेस के अलावा दो दूसरे दल के लोग भी निकले हैं, तो दैट्स अनदर थिंग। तो अब वो दूसरे दल के बीएसपी, कौन है मुझे नहीं बीएसपी, पता। बीएसपी हो सकती है। नहीं याद नहीं है शंभू जी, तो वो 48 में से इन चारों के मिला दो तो 44 अच्छा, हम सीट हो लोग गए। एक अपील कर दे, जिन कैंडिडेट को अपना रिजल्ट जानना है वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हाँ ये भी कर सकते हैं। वैसे आपको आपको लग रहा है जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं, जितने भी कॉल्स आ रहे हैं, वो तकरीबन कैंडिडेट्स के ही आ रहे हैं? हाँ, मैं कईयों देख रहा के हूं, तो देख कईयों ना, रहा अभी हूं। बहुत सारे लोगों की हालत तो ये है कि तो अगर वो आपको एग्जिट कैंडिडेट पोल पर नहीं भरोसा नहीं है, और अगर आपको सैयद शुजा और शंभू की कमेटी पर भरोसा है, तो कैंडिडेट अपना मैसेज कर सकते हैं, कंस्टिट्यूएंसी नंबर क्या क्या जरूरी रहेगा उसके लिए? होते। कैंडिडेट नंबर, उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर, और क्षेत्र में ईवीएम की लिस्ट में कौन सा सीरियल नंबर था वो भी भेजें, ताकि अभी तुरंत देख के बता सके। तो चलिए, ये तमाम चीजें आप अगर भेजेंगे तो आपको तुरंत, आपको ब्लड प्रेशर बढ़ाने की जरूरत नहीं है, 23 तक इंतजार करने का जरूरत नहीं है। हम लोग हैं एग्जिट पोल के बाप, मतलब हम आपको कैंडिडेट वाइज बता रहे हैं कि कौन जीत रहा है और कौन है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मैं फिर कह रहा हूं, चूंकि चुनाव आयोग मानता नहीं है कि ईवीएम हैक होता है, इसलिए हम लोग उस पर बात कर रहे हैं और हम कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। हम लोग मानते हैं कि ईवीएम हैक होता है, इस देश की जनता मानते हैं कि ईवीएम हैक होता है, इसलिए हम और सैयद शुजा कमेडी कर रहे हैं। हमारी कमेडी सही है या गलत है, ये सैयद शुजा पर निर्भर करता है। हम आपसे फिर 23 तारीख को सामने आएंगे, अगर हम लोग गलत साबित हुए तो आपसे माफी मांग लेंगे, और अगर सही साबित हुए तो साफ हो जाएगा कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है। सही तो साबित हो जाएंगे शंभू जी, लेकिन मुझे मुझे एक चीज का जो जो बहुत ज्यादा आश्चर्य होने वाला है कि अगर सही साबित होने के बाद में भी ये ईवीएम का मुद्दा ना आगे बढ़ने वाला है, ना इसको लेके कोई नहीं, सोल्यूशन मुझे निकलने लगता वाला है, मुझे सैयद शुजा, मैंने जो देश भर में घूमा है, मैं दक्षिण भारत भी गया, बिहार, झारखंड, बंगाल गया, उड़ीसा गया, इन तमाम राज्यों में जो मैंने देखा है, ईवीएम की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। और मोदी जी अगर हार जाते हैं चुनाव तो ठीक है, अगर जीतते हैं तो आप यकीन मानिए लोग सड़कों पर होंगे। नहीं। आप एक बात बताएं शंभू जी, आप तो पत्रकार हैं, आप क्षेत्रीय लेवल पे काम भी करते हैं, आप ग्राउंड पे काम करते हैं, तो आपको लगा कि इतने बड़े नंबर से नरेंद्र मोदी जीतेंगे? नहीं, मैं भाई मैं कह रहा हूं, मैं एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों ने वोट नहीं दिया है, अगर बीजेपी जीतती है इसका सीधा सीधा क्रेडिट गोज टू ईवीएम। लेकिन इसका वो सीधा आप सीधा बताइए, क्रेडिट चूंकि गोज टू, आपको, हाँ आपको आपको एक्सपर्टीज है ईवीएम के मामले में, तो आप बताइए कि देखिए किस किस शंभू तरह जी, की इस बार गड़बड़ी जितना हुई है। जितना मैंने रोका है, आप अगर आप सही मानों में अगर नंबर देखे ना, तो ये 300 पार जा रहे थे, जो रिपब्लिक के ऊपर बता रहा है ना 305, 305 एनडीए की, तो वो नंबर दर हकीकत वो नंबर है जो ये लोग करके बैठे थे। ये एग्जिट पोल नहीं है, ये भाजपा द्वारा दिया गया हुआ VIF, क्या है वो, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूशन फाउंडेशन समथिंग करके, इन लोगों का एक एक अच्छा, पीएफ ये होता। जो, हाँ, ये जो दिया गया है, जिसको दरअसल बीजेपी ने पहुंचाया है इनको, क्या आप ये सब बता दीजिए, हमको नहीं बैकअप देखिए, कीजिए। हर चीज तो पहुंचाई हुई है शंभू जी, पिछले 4 सालों में मोदी मोदी मीडिया, गोदी मीडिया नहीं, मोदी मीडिया ने वही दिखाया है जो मोदी दिखाना चाहते थे, और लोगों को लगता था मोदी दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मोदी जी बहुत अच्छे एक्टर हैं,
मोदी जी बहुत ही अच्छे स्पीकर हैं, लेकिन उनका उनका रोल नहीं चलता है वहां पे, कुछ और ही चलता है। तो जहां तक गोदी मीडिया या मोदी मीडिया, वही दिखाई है जो मोदी जी चाहते थे। और ये एग्जिट पोल भी जो आ रहा है, ये दरहकीकत वो है जो यू नो इट वाज प्री प्लान्ड। ये लोगों ने ये प्लान कर लिया था कि अच्छा यहाँ पे छोड़ेंगे, यहाँ पे ले लेंगे और ये नंबर हम दे देंगे। तो अगर अगर हम नहीं रोकते तो ये नंबर एग्जैक्टली यही नंबर 23 तारीख के दिन निकल के आने थे। अब रोका है तो ये नंबर नहीं आएंगे। और देखो, अंडर एस्टिमेट करने की आदत जो है भारतीय जनता पार्टी वालों की, वो ये कि उन्होंने बहुत बुरी तरह से मुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया, ये हमारी टीम को अंडर एस्टिमेट कर दिया। अबे यार, ये एक बंदा बैठ के क्या करेगा, कौन सा बड़ा तीर मारेगा, ये कौन सा बड़ा तीर मारा है ना, ये तो अभी भी इन लोगों को लगता है कि आई कुछ किया तो नहीं होगा, ये तो नंबर आ रहे हैं। तो ये जो जो विश्वास के साथ दिखाया जा रहा है कि ये एग्जिट पोल है और ये नंबर आएंगे, इतने जीत रहे हैं, हमने 1,00,000 लोगों को कॉल किया था, हमने 5,00,000 लोगों को कॉल किया था, हमने 90,000 लोगों को कॉल किया था, उनसे सर्वे लिया। सर्वे लेने में कहां से डेटा आया, किधर से डेटा आया, वो बीजेपी से आया हुआ डेटा है, आईटी सेल से दिया हुआ डेटा है। तो ये हकीकत नहीं है, लेकिन अगर हम नहीं रोकते इनको तो ये सीधे सीधे वोट में कन्वर्ट होके यही चीजें 23 तारीख के दिन दिखाई जाती। अब जो 23 तारीख के दिन होगा वो अचंभे में डालेगा तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। मैं पब्लिक से अपील करता हूं कि जब नंबर खुल के आना शुरू करें तो जो प्रत्याशी काउंटिंग सेंटर पे हैं वो कृपया ध्यान दें, अपने अपने एजेंट्स को लगा के रखें, ताकि जब नंबर निकल के आए तो ये कोई किसी भी तरह की कोई बेवकूफी ना कर पाए किसी तरह। सुजा, हम लोग रोज कोशिश करेंगे। अच्छा, कल के लिए मैं जो कैंडिडेट है वो जानना चाहते हैं अगर अपना रिजल्ट, तो मेरे नंबर पे, मेरे यूट्यूब पर जाएं और वो वहां वीडियो देखें, वहां मेरा नंबर है। आप मुझे अपना कंस्टिट्यूएंसी, अपना नाम, क्षेत्र का नाम और ईवीएम का नंबर। मैसेज करें और मैं कल फिर सैयद सुजा से बात करके आपको बताऊंगा, आपके सवाल पूछूंगा। हम लोग कर रहे हैं एग्जिट पोल का बाप, हम एग्जिट पोल में लोग बता रहे हैं स्टेट वाइज, हम कैंडिडेट वाइज बताएंगे कि कौन जीत रहा है और कौन, क्योंकि हाँ, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, हम लोग कॉमेडी कर रहे हैं, चुनाव आयोग है मानता नहीं है कि ईवीएम हैक होता है, इसलिए हम और सही सुजा कॉमेडी कर रहे हैं। करेक्ट यू, थोड़ा ह्यूमर डालते हैं। देखो, हम कॉमेडी, हम अब फिलहाल लोगों को ये लग रहा होगा कि कॉमेडी चल रही है, तो हंसे आप लोग, दिल खोल के हंसे, हम आपको हंसने से नहीं रोक सकते हैं, बल्कि हमें खुशी होगी जो लोग हंसना चाहते हैं, तो हमें हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी कि अगर वो हंस के खुश हो रहे हैं, हमें देख के या हमारी बातें सुन के हंस के खुश हो रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद, हमें इस काबिल समझा कि हम आपको हंसा सक रहे हैं। लेकिन एग्जिट पोल के ये नंबर अगले 3 दिन तक चलेंगे, जब इलेक्शन के रिजल्ट निकल के आएंगे तब असली कॉमेडी शो शुरू होगा और तब हम हंसेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग इसको कॉमेडी शो समझ के इंजॉय करें, और हम हमारा इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। और जैसे शंभू जी ने कहा, जिस प्रत्याशी को अपना अपना रिजल्ट जानना है तो वो अपना डिटेल छोड़े या फिर लाइव आके कमेंट मार के पूछ सकता है, ईमेल लिख के पूछ सकता है। तो हम यहीं पे बैठे हुए हैं, यू नो कल 2 शो करेंगे, एक यहाँ पे, एक यूट्यूब पे, और यू नो 23 तारीख के दिन लगातार हम लोग लगे रहेंगे। तो कल 23 को तो लगेंगे, कल 10 बजे भी हम लोग मिलने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। चलिए ईवीएम हैक होता नहीं है, इसलिए आप लोग बिल्कुल, चुनाव आयोग जो कह रहा है, इसलिए हम लोग सुजा के हिसाब से मोदी चुनाव हार रहे हैं, राजनाथ सिंह चुनाव हार रहे हैं, कन्हैया चुनाव जीत रहे हैं, तो आप लोग समित पात्रा चुनाव हार रहे हैं और बीजेपी 160 ही सीट ला पाएगी, बीजेपी मतलब एनडीए।